हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में और एक नए व्लॉग में आपको फिर से स्वागत है। आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा स्पेशल। आज हम जाने वाले हैं बैरागढ़ धाम। हम जाएंगे लम्बू कलुआ और बासु के साथ, यानी कि प्रियांशु, अंकित और पीयूष मिश्रा के साथ। तो अभी सुबह कॉल आया था क्योंकि ये अच्छा इमीडिएट हो गया, इमीडिएट कोई प्लान नहीं था बैरागढ़ धाम जाने का। तो आज हम सुबह प्रयासों को कॉल आए, कह रहे बैरागढ़ धाम चल रहे, उनकी चल रहे, सो रहे थे पहले, फिर हम जाएंगे। तैयार हो चुके हैं भाई, फिर थोड़ी देर में निकलेंगे बस 10-15 मिनट में, और फिर पहुँचते हैं, फिर मिलाते हैं आपको लम्बू कलुआ और बासु से। तो आज महानवमी है, तो आप सभी को महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं 8 के टोल प्लाजा पर, जो कि NH-27 पर स्थित है। ये जाता है रास्ता झांसी की तरफ, झांसी के लिए जाने के लिए है ये, और इसकी दूसरी तरफ ये जाता है कानपुर की तरफ। तो अभी हम आ चुके हैं भाई प्रियांशु के गांव। अभी प्रियांशु के गांव के अंदर जाने का रास्ता है यहाँ से। अभी प्रियांशु को कॉल कर दिया, वो बाइक लेकर आ रहा होगा, नहीं तो अभी तब तक थोड़ी देर पैदल चलते, थोड़ी दूर तक पैदल चलेंगे। ये प्रियांशु का घर, कूलर रखा बाहर। अभी प्रियांशु को बुलाते हैं। प्रियांशु, हम आ चुके हैं अपने प्रियांशु के घर पे। ओ माय गॉड, डैशिंग प्रियांशु, डैशिंग। हाय प्रियांशु जी, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो फिर नहीं, इंट्रोडक्शन नहीं मिलेगा तो फिर क्या देंगे? तो एक हैवी स्टाइल में, एक मोर की तरफ, मोर की तरफ हैवी स्टाइल में, हैवी वाले स्टाइल में। अरे अजय, हाँ जल्दी, हैवी स्टाइल में। हाँ तैयार हो गए। चलो चलते हैं बैरागढ़ धाम प्रियांशु के साथ। अभी कलुआ को भी साथ लेना, ये लम्बू, इन्हें पैर से लोग सिंधु भी बुलाते हैं। इससे पहले ही हमारा नाम आता है, अपना नाम खुद ही बता देते हैं, हमें लोग प्यार से बुलाते हैं पिल्लू। अरे अरे, नाम चेंज हो गया। सॉरी, इनका नाम है पिल्लू, मेरा नाम है टिल्लू। टिल्लू टिल्लू, अब मिलाते हैं आपको कल्लू से। कल्लू से चलिए चलते हैं, चलिए चलते हैं, बिना देर किए हुए। अभी आ रहे हैं हम लोग अंकित के यहाँ, अंकित और कलुआ, उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन कराएंगे। ये है गाँव की गलियाँ, देखो भैया टूटी फूटी गली। यहाँ रोहित शेट्टी बुलाना पड़ेगा, यहाँ पे वो खतरों के खिलाड़ी का एक नया सीजन लाए जी। हो चुके हैं तैयार अंकित जी, रुकिए तो रुकिए, तो जरा इंट्रो तो दे दीजिए अपना। इंट्रो क्या इंट्रो दे, इंट्रो को तमी दे दो ना। तो लाओ यार, आपका वीडियो बना रहे हैं तो यार दे तो इंट्रो दो। नाम क्या है आपका? अंकित वर्मा। अंकित वर्मा, तो ऐसे स्माइल आप दोनों के सूत्र मिल ही चुके थे। एक कल्लू, एक थे अभी एक और आगे नया बंदा, एंड दिस इज जो भी साथ थर्ड वन इज कल्लू। कल्लू अंकित, आप शब्द का प्रयोग ना करें हमारे ब्लॉग में। ये है हमारे नए मित्रगण। अरे वासु जी, अपने इंट्रोडक्शन दीजिए, नाम तो बता दो। ये बस उठे तो अभी हम आ चुके हैं वही बैरागढ़ धाम की मेन गेट पर। यहाँ से थोड़ी मिस्री खट्टी मीठी मिस्री। अभी हम गेट पर आ चुके हैं, अभी हम जाएंगे अंदर की तरफ। जय माँ शारदा देवी। अरे वहाँ पे तो जय माँ शारदा देवी की देखिए, भक्तगण आ रहे हैं यहाँ पर, अभी लंबी कतार है। तो चलो चलते, जयकारे लगाओ, कह रहे बोल सच्चे दरबार की जय। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बैरागढ़ धाम के पास, बैरागढ़ धाम के द्वार पर। ये
रगड़ नाम का द्वार है। अभी हम यहाँ से अंदर जाने वाले हैं, यहाँ से अंदर जाएंगे फिर अंदर मंदिर में जाएंगे हम। तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर के पास, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है बैरगढ़ धाम का। तो अभी हम यहाँ पर देवी जी के दर्शन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ मंदिर पर काफ़ी भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है। तो यहाँ पर देखिए आप माँ शारदा के दर्शन करने के लिए भक्त किस तरह उमड़ पड़े हैं, इतनी भीड़ है यहाँ पर दर्शन करने के लिए, जगह ही नहीं मिल रही है, पाँव रखने की भी जगह नहीं है यहाँ पर। बड़ी मुश्किल से हम आपको दर्शन करा पा रहे हैं माँ शारदा देवी के। देखिए जय माँ शारदा देवी की। पर क्यों मैं लगा तो मंदिर का हवा और अंकित अंकित जी बता भाई पीछे से नजारा। ठीक है ठीक है, मंदिर के अंदर अबे वहाँ पर प्रियांशु और वासु ने कुंड में अपने पैर धो लिए हैं। अभी हम जाएंगे अपने पैर धोने हवा और अंकित। बैठ थोड़ी छाई आए थे, देख नहीं रहा मोबाइल में कछु, नीचे हो नीचे। अरे वो थोड़ी बस ऐसी 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 हाँ आगे बोल रहे हैं। हाँ जी अनमोल, तो आप क्या करना चाहेंगे इसमें, डुबकी मारना चाहेंगे या डुबकी डुबकी मारना चाहेंगे? गहरा ही नहीं है वो, गहरे नहीं जी का, देखो खड़े हैं सब। पूजा पूजा पता पूजा 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 देखिए यहाँ पे कुंड का नज़ारा। तो यहाँ पर हमें मिले हैं कुछ शिवजी के भक्त जो कि शिवजी की भक्ति में लीन होने जा रहे हैं। तो आइए अंकित जी से जानते हैं ये बैरागढ़ धाम का मंदिर क्यों फेमस है। तो पूछते हैं अंकित जी से, यहाँ थे हमारे मित्र अंकित जी, तो अंकित जी से पूछते हैं कि मंदिर क्यों फेमस है। तो बताइए अंकित जी ये मंदिर क्यों किस लिए फेमस है? हेलो गाइस, ये मंदिर ना आला उदल की कुल की देवी का था जी जी, जो इन्होंने अपने भक्ति से इन्हें प्रसन्न किया था, मतलब इनकी कुल देवी थी और जिनको शारदा देवी बैरगढ़वाल देवी बोलते हैं, इन्होंने मतलब इनके युद्ध में इनका साथ दिया था। और यहाँ पर आप जो पीछे सांग देख रहे हैं ना, ये आला उदल ने ही गाड़ी थी और यहाँ पर आज तक किसी ने भी ये सांग को हिला तक नहीं पाया है। अच्छा, तो यही इसकी एक खासियत है कि मतलब यहाँ इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगता है उसकी सभी की मन्नतें पूरी होती हैं। और बस और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ मतलब। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कुंड है, तो अंकित जी बताइए ये कुंड की कुछ विशेषता है क्या? हाँ, इसकी विशेषता है मतलब यहाँ पे सब लोग आते हैं नहाते हैं और मतलब जैसे कि किसी को कुछ भी हो, कोई भी बीमारी टाइप जैसे कि खाद खुंडी वगैरह सभी लोग यहाँ पे आते हैं नहाते हैं, कपड़े भी यहाँ पे डाल जाते हैं। कभी कपड़े यहाँ पे नहीं डालने चाहिए, बिल्कुल कपड़े यहाँ से ले जाना चाहिए, कहीं बाहर फेंकने चाहिए, नहाना चाहिए, अच्छी बात है। बिल्कुल लोग आते हैं नहाते भी हैं और यहाँ पे कुंड पहले गहरा भी था, अच्छा था, तो यहाँ पे कुंड इतना अच्छा बन गया कि जानकारी प्राप्त हुई अंकित जी से जानकर। ये हमारे साथ अंकित जी हमारे मित्र परम मित्र हैं, हमारे साथ पड़े हुए हैं ये। बहुत अच्छा लगा अंकित जी आपसे बात करके, आपको कैसा लगा हमसे बात करके? जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मुझे देवी रानी के बारे में बताने का मौका मिला है, उनके बारे में क्या है क्या नहीं है लोगों तक पहुँचाना शेयर करना अच्छा लगा है, बहुत अच्छा। अंकित जी ऐसे ही हमारे ब्लॉग्स में आते रहिए और जानकारी हमें बताते रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अभी हम लोग आ चुके हैं बैरागढ़ देवी के दर्शन करकर। हम गए थे प्रियांशु, वासु और अंकित के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगा मंदिर पर जाकर। तो अभी हम इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग बनाएंगे हम अपने गांव के ऊपर। अभी हम यहां से सीधा जाएंगे अपने गांव की ओर दादी दादी से मिलने, तो वहां पर भी हम ब्लॉग बनाएंगे अपने गांव का, मतलब दिखाएंगे कैसा हमारा गांव है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।